नमस्कार दोस्तों, मल्टी रोज लाइव चैनल से मैं कविता मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है शहद। यह नेचर का एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य के जीवन में अमृत जैसा उपयोगी है। इसे जीवन दाता और शक्ति दाता के रूप में भी जाना जाता है। शहद बच्चों का भी पसंदीदा खाद्य है। बहुत से बच्चे रोटी पर शहद लगाकर खाना पसंद करते हैं। थकान, दुर्बलता और अशक्त होने पर शहद लेते ही तुरंत शक्ति का संचार होने लगता है। गर्भवती स्त्रियों, बालकों, वृद्ध व्यक्तियों, कामकाजी महिलाओं और पुरुषों सभी के लिए शहद किसी न किसी रूप में उपयोगी है। आइए आपको बताते हैं शहद के कुछ औषधीय और स्वास्थ्य वर्धक गुण। आधा चम्मच तुलसी के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर प्रातः काल सेवन करना हर रोग की महा औषधि है। गाय के ताजे दूध में दो चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से शक्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त होती है। गर्मी के दिनों में घड़े के एक ग्लास ठंडे पानी में तथा शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु में एक ग्लास गुनगुने पानी में दो चम्मच शहद मिलाकर पीना लाभदायक होता है। अंकुरित चने, मूंग तथा मोट आदि को मिलाकर तैयार किए गए अमृत आहार में दो चम्मच शहद मिलाकर खाने से यह अत्यंत पौष्टिक एवं बलवर्धक हो जाता है। यह प्रातः काल के लिए उत्तम नाश्ता है। अपनी आयु के अनुरूप मात्रा में बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं। शहद अत्यंत गुणकारी और पौष्टिक खाद्य है। इसके अतिरिक्त औषधि के रूप में भी शहद का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। यह कीटाणु नाशक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज होती हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। एक छोटा चम्मच शहद से मनुष्य को 100 कैलोरी की शक्ति प्राप्त होती है, जो लगभग पाव भर ताजे फलों से प्राप्त शक्ति के बराबर है। शहद मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। इसका निरंतर प्रयोग असमय वृद्धावस्था को रोककर दीर्घायु प्रदान करता है। यह शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाकर रोगों की रोकथाम करता है। इसका नियमित प्रयोग मन के तनाव को दूर कर मनुष्य को आस्थावान और विवेकशील बनाता है। यह रक्त का शोधन करके शरीर को मजबूत, हष्ट पुष्ट और शक्तिवर्धक बनाता है और साथ ही पौरुष शक्ति को भी बढ़ाता है। यह शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करके मुख को दिव्य एवं तेजपूर्ण बनाता है। शहद को खुले में काफी समय तक छोड़ देने से यह वायुमंडल से नमी को सोख लेता है, जिससे इसकी सुगंध कम हो जाती है। शहद को प्रयोग में लाते समय कुछ बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह पर हानि भी हो सकती है। अधिक गर्म जल, कमल बीज, मूली और मांस आदि के साथ शहद का सेवन लाभकारी नहीं है। एक प्रकार के शहद को दूसरे प्रकार के शहद में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद को अधिक गर्म वस्तु या उबलते पेय पदार्थ में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी एवं शहद को समान मात्रा में मिलाकर कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये थे शहद के कुछ औषधीय और स्वास्थ्य वर्धक गुण, और साथ ही हमने आज आपको यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में शहद का उपयोग करें और किन परिस्थितियों में नहीं। ऐसी और भी जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल मल्टी रोज लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।